प्रचंड तूफान मिचौंग का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई इलाकों के मौसम में बदलाव आया है। मौसम का मिजाज बदलने से न केवल फसलों को नुकसान होने की आशंका है, वहीं धान खरीदी का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। जांजगीर चांपा जिले में भी बदलते मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी मंडियों में धान को सुरक्षित रखने के लिए कैप कवर की व्यवस्था की है। अकलतरी सेवा सहकारी समिति के प्रभारी संस्था प्रबंधक प्रदीप कुमार दुबे ने बताया कि धान को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन बारिश के कारण खरीदी का काम प्रभावित हुआ है, जिसे मौसम ठीक होते ही दोबारा शुरू किया जाएगा। बेमौसम बारिश से जो बारिश हुई है, जिसमें आज 1026 क्विंटल का टोकन कटा हुआ था किसानों का, जो बारिश के कारण नहीं लिया जा सका, और जो शासन का खरीदा हुआ धान है उसको व्यवस्थित रूप से तिरपालों से ढककर शासन के निर्देशानुसार बोरा को भी व्यवस्थित रखा गया है, और मौसम खुलते ही किसानों का धान पुनः लिया जाएगा। जो शासन के निर्देशानुसार अभी मौसम लगभग 5-6-7 तारीख तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं किसानों ने कहा कि हार्वेस्टर के जरिए किसी तरह फसल की कटाई तो कर ली गई है, लेकिन बिक्री नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। मैं फिरोज कुमार कश्यप, ग्राम अकलतरी के किसान। अभी ये बेमौसम बरसात हो है, तेन हर हम सब किसान मन ला परेशान करे। खेत में जैसे तैसे करके धान ला बचाए माहो से, नाना प्रकार के बीमारी से। अभी बिन मौसम बरसात आ गए, तेन हम सब ला परेशान करे थे। बहुत से किसान मन हार्वेस्टर में उड़वाइच, थ्रेसर में, जैसे बहुत झन किसान मन खरी गांज के रखे, तेन मन विशेष परेशान हुआ थे। मंडी में टोकन ओकन के भी डेट मिले रही से, लेकिन बारिश की वजह से आज मंडी में भी धान नहीं बेच पाते हैं, ऐसे सिचुएशन है। चक्रवाती तूफान के कारण राज्य के अधिकतर स्थानों में बारिश हो रही है और किसान फसल खराब होने की आशंका से चिंतित हैं।